वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के वोटरशिप अभियान में आपका स्वागत है। राजकाज के इतिहास में एक नई बात आई है। अब यह मांग उठी है कि मशीनों की कमाई को सरकार वोटरों में बांटे। अब वोटरों को सरकार पैसा दे, हर महीना दे, उनके बैंक खाते में दे और राष्ट्र की आमदनी में जो वोटर का हिस्सा है उस रकम का आधा दे। आज ये कानून बन जाए तो जो वोटर इनकम टैक्स नहीं देते उन सभी को मिल सकता है लगभग 5,896 यानी 6,000 रुपए महीने। राष्ट्र की आमदनी बढ़ने के साथ यह रकम बढ़ती रहेगी। यह पैसा इसलिए भी मांगा जा रहा है क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर खा गया और अनपढ़ लोगों का काम बुलडोजर, ट्रैक्टर, जेसीबी मशीनें खा गईं। अब सबको इज्जत की रोजी रोटी तभी मिल सकती है जब मशीनों की कमाई वोटरों में बांटी जाए। जल, जंगल, जमीन, कानून, धूप, मशीन के कारण पैदा हुए पैसे को अब वोटरों की साझी संपत्ति कहा जाता है। साझी संपत्ति के किराए को वोटरशिप कहा जाता है। सरल भाषा में इसे वोटर पेंशन भी कहते हैं। सन 2005 में 137 सांसदों ने राजनीति सुधारक श्री भरत गांधी की इस बात को संसद में पेश किया था। लंबी जांच पड़ताल के बाद 6 साल बाद 2 दिसंबर 2011 को ये बात मंजूर भी हो गई थी। लेकिन दूसरों की तकलीफ देखकर मजा लेने वाले एबी मानसिकता के अरबपति और नेता लोगों ने टीवी चैनलों में ये खबर नहीं आने दिया। खबर रोक देने से जनता को पता नहीं चल पाया। वोटरशिप कानून की मुहिम को संसद में रोक देने से इस विचार को पैदा करने वाले श्री भरत गांधी को कुंवारा रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने आईएएस का करियर 1993 में अपनी 24 साल की उम्र में छोड़ दिया था और सोचा था कि गरीबी और बेरोजगारी दूर करके ही शादी करूंगा। संसद में घटी एबी मानसिकता के नेताओं और खरबपतियों की साजिश को देखने के 10 साल बाद 2016 में श्री भरत गांधी के नेतृत्व में पहली बार वोटरों की पार्टी का पंजीकरण कराया गया। पार्टी का नाम रखा गया वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल यानी VPI। साइकिल मोटरसाइकिल वाले लोग इस पार्टी का मेंबर बनाने का काम पूरे देश में कर रहे हैं। दूसरों का सुख जो लोग नहीं देख सकते ऐसे लोग गांव-गांव में अफवाह फैला रहे हैं कि वोटर पेंशन मिलना असंभव है। एबी मानसिकता के ये लोग देश की कुल आमदनी में मशीनों का हिस्सा नहीं जानते, संसद, सरकार और कानूनों का हिस्सा भी नहीं जानते। GDP में भगवान यानी प्रकृति का हिस्सा कितना है यह भी नहीं जानते। फिर भी कहते हैं कि सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी। एबी मानसिकता के ये लोग संसद में घटी घटना को पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। फ्री में मिल रही ब्याज से, मकानों व मशीनों के किराए से आज तक लोग निकम्मे नहीं हुए। फ्री में मिल रहे उत्तराधिकार के पैसे से लोग निकम्मे नहीं हुए। नामीबिया, अलास्का और ब्राजील जैसे देशों में लोग निकम्मे नहीं हुए। इन देशों में सरकार पहले से जनता को पैसे दे रही है। फिर भी कुछ लोग बिना जाने और बिना पढ़े ही कह देते हैं कि सरकार वोटरशिप देगी तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि वोटरशिप का पैसा वोटरों को मिलेगा तो डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों की तरह छोटे किसान और मजदूर भी अपने सामान
और मजदूरी के रेट की सौदेबाजी करने लायक हो जाएंगे। अब मजबूरी के रेट पर मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, रोजगार के नाम पर गुलामी नहीं करना पड़ेगा। खरपतियों की लगाम से चल रहा यह नकली लोकतंत्र अब असली लोकतंत्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी कर्मचारियों और टीवी चैनलों को खरीदने के लिए और झूठा प्रचार करवाने के लिए खरपतियों के पास फालतू पैसा ही नहीं बचेगा। इससे घोटाले और भ्रष्टाचार रुक जाएंगे। जनता का पैसा सीधे आम आदमी के खाते में पहुंच जाएगा तो बीच की दलाली और रिश्वतखोरी रुक जाएगी। आम आदमी को ताकत मिलेगी तो वह अपराधियों और गुंडों की गुंडागर्दी को नहीं सहेगा, वह तुरंत पुलिस और वकील की मदद लेगा। पैसा मिलेगा तो अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अस्पताल और ज़्यादातर समय रहने वाली बिजली गांव-गांव पहुंच जाएगी। फिर शहरों की भीड़ भाड़ घट जाएगी। बाजार नीचे तक पैसा आएगा तो मिल कारखाने फैलेंगे, उनमें रोजगार मिलेगा। जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्ची पढ़ेगी तो जनसंख्या कम हो जाएगी। तब केवल सरकारी कर्मचारियों व व्यापारियों का ही नहीं, हर परिवार का विकास होगा। दहेज हत्या रुक जाएगी, बुजुर्गों का सम्मान परिवारों में बढ़ जाएगा, वोटरों को पैसा मिलने लगेगा तो दुनिया भर के अमीरों गरीबों की अलग अलग टीवी चैनल, अलग अलग सरकार, अलग अलग पुलिस और अलग अलग करेंसी नोट भी नहीं बनाना पड़ेगा। पावर्टी लाइन सोसाइटी यानी पीएल समाज के लोगों के लिए एमपी एमएलए की कुर्सियों पर आरक्षण नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरों का सुख नहीं देख सकते वे लोग वोटरशिप के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। बड़ी पार्टियों के मुखिया लोग चुप्पी साधे हुए हैं। खरपति लोग वोटरों की इस पार्टी को चंदा देने के लिए तैयार नहीं हैं। जनता में और संसद में बहस कराने के लिए टीवी चैनलों के मालिक वोटरशिप का प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। देश के लोगों को आर्थिक आज़ादी दिलाने का काम केवल साइकिल मोटरसाइकिल वाले लोग गांव-गांव गली-गली कर रहे हैं। ये लोग अपने धंधा बिजनेस, खेतीबाड़ी, मेहनत मजदूरी का नुकसान उठाकर ये काम कर रहे हैं। मेंबर बनाने से और साइकिल मोटरसाइकिल वाले कार्यकर्ताओं के हर महीने के चंदे से जो पैसा मिलता है उसी से कार्यकर्ताओं का और पार्टी का खर्च चलता है। आपसे निवेदन है कि अराजनीतिक संगठन आर्थिक आज़ादी आंदोलन का या राजनीतिक संगठन वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का कार्यकर्ता स्वयं बनिए और दूसरे लोगों को कार्यकर्ता बनाने के काम में लगिए। राजनीतिक पार्टी से जुड़ने में कोई परेशानी नहीं है तो वीपीआई से जुड़िए और जुड़ने के लिए दूसरे लोगों को समझाइए। इस पार्टी का चुनाव निशान गैस सिलेंडर है जिस पर आप घर में खाना पकाते हैं। अब से यह भी निवेदन किया जाता है कि अपनी जिंदगी का कीमती समय और अनुदान हर महीने संगठन को दीजिए, जिससे पैसे की कमी से गरीबी और गुलामी खत्म करने का और देश और दुनिया की गंदी राजनीति को सुधारने का ये काम रुकने ना पाए।